ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको गेम उठा दे में। मैं हूं आपके मेजबान शफाज अली। खवातीन हज़रात, प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। शमून भाई, इस प्रोग्राम के मरहले में हम अपने एंटरटेनर्स को एक कड़ी कसौटी में परखते हैं, और वो कसौटी ये होती है कि हम इनको यहाँ पे कहते हैं, देते हैं सिचुएशन, और इस सिचुएशन पे इनको एक्ट करना होता है। इनका एक्ट कामयाब हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला करता है आने वाला सेलिब्रिटी जो कि आज के शो में है। हमारी खुशकिस्मती से क्या बात है भाई, तो लड़कों तुम लोग तैयार हो? हम तैयार है। तैयार क्या है? स्किट के बारे में बताएंगे क्या सिचुएशन? मैं दे रहा हूँ सर, ठीक है, सिचुएशन मैं दे रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि चूंकि आजकल बताया आपको क्रिकेट का जमाना है, क्रिकेट के जमाने में हर चीज क्रिकेट ओरिएंटेड हो जाती है, और घरों के अंदर एक बुनियादी फसाद ये होता है कि अम्मा मैच देखना है, लेकिन अम्मा को ड्रामा देखना है, ड्रामा देखना है। और यही आजकल का हमारा मौजू है कि जनाब अम्मा मौजूद है, बेटा साथ में है, अम्मा को ड्रामा देखना है, बेटे को मैच देखना है, कौन अम्मा बन रहा है, कौन बेटा बन रहा है? अली भाई, मैं ममता देना चाहूंगा। अली भाई, आप अम्मा बनेंगे? मैं मामा बनेंगे। आप में इतनी ममता है कि आज आप इस आप लेने वाले बने? पूरे उतर चुके? मैं आप लेने वाले बने। वाह, आप? मैं बेटा बन रहा हूँ। मैं बेटा बन रहे हैं, नीचे आ गया हूं। नीचे हो जाओ। अच्छा, ऑलरेडी जाओ। क्या आपको यहाँ आने की जरूरत है या वहीं से बैठे? हम कर लेंगे भैया, एक दुपट्टा का मिल सकता है? दुपट्टा ला दो भैया, हमारे पास दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत जरूरी है आपको? बहुत जरूरी है। दुपट्टा बहुत जरूरी है। पहले शर्ट मुझे पसंद नहीं आया, पता है? अच्छा, ये आपका रिमोट है टीवी का? अभी से ही तुम्हारे अम्मायत आ गई है। अम्मायत शेव नहीं कर रही? हां मम्मी, आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। दाढ़ी बढ़ गई है, ड्रामा देखती रहती है। ड्रामा देखती है। 50 के बाद कौन प्लकिंग की तरफ देखेगा? ब्यूटी पार्लर जाए। मैं क्या ही पार्लर नहीं गई है काफी दिन से। तुम्हारी क्यों नजर है मुझ पर रुमान? अम्मा माँ पे नहीं होगी तो फिर किस पे होगी? बेटी के साथ बैठी हुई यहाँ पे। हाँ भाई, अम्मी बोलो बोलो, कहाँ से सुन रही हूँ? अम्मी अम्मी यार, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट, टीवी इधर है, ये लोग टीवी है, क्योंकि टीवी इन्होंने देख रहा है, टीवी वाला टीवी है। ठीक है, हम तो अमीर लोग के, मैं दो तीन टीवी है। हाँ भाई, अम्मी अम्मी मैच देखना है। बोलो बोलो, मैं मैच देखना है अम्मी। कमबख्त देखती, शमून का ड्रामा आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है इसके अंदर। शादी हुई है इसकी, इसमें अम्मी अभी पहला एपिसोड है इसकी, अभी ऐसे मेरे खौफनाक हो जाते हैं ड्रामे के एंड तक। अम्मी डराते हैं बहुत ज्यादा। ऐसी मनहूस बातें करेगा, आखिरी एपिसोड तक इसका फट्टा हो जाएगा, वो भी जाता है। अम्मी अम्मी देखे ना, वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में मैच देखना चाहिए। देखिए, मैंने आज होमवर्क भी कर लिया, मैं राशन भी ले आया, मैंने बिजली का बिल भी भर दिया, मैंने टेबल भी लगा दिया, मैंने अब्बू को भी दोस्त क्या छोड़ आया हूँ। आप अब्बू को क्यों छोड़ के आया दोस्त क्या तुम? अम्मी क्योंकि आपने शमून भाई को देखना था ना। अब्बू अब्बू के साथ आप कैसे शमून भाई को देख पाते? घर में शमून तो मुझे जानते हैं पहले से, है मेरा बचपन का क्रश, जब दाढ़ी का क्रश, जब दाढ़ी नहीं थी, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी। अम्मा अम्मा, ये दाढ़ी वाड़ी में बात चली गई, मुझे बताइए आप अपनी दाढ़ी की बात करिए या शमून की दाढ़ी की बात करिए? हम दोनों की दाढ़ी। ये बहुत सिंक में चलती है। उस दिन वो एक मूवी के लिए शमून भाई ने अपने आप को गंजा करवाया था, ये भी गंजी होके आ गई थी। रोटी लेने गई थी, गंजी होके आ गई। ख्याल करो, अब तू मैच देख लेता। अम्मा अम्मा ख्याल करें, शमून भाई ने आदमखोरों पे फिल्म बनाई हुई है, अगर आपने वो फिल्म देख ली तो क्या होगा? ये अपने बच्चे को ही खा जाएंगी। अच्छा अम्मी, मैच देखने देना। किसका मैच है? किसका मैच? नामीबिया और ओमान का मैच है। इतना क्रिकेट तो मैं भी जानती हूँ कि ओमान की कोई टीम भी नहीं है। कहाँ से आई ओमान की टीम? वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम आई, अब तो यूएसए की भी टीम आ गई है। पागल समझा रहा है? यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा है। यूएसए लोगों के दिलों के साथ खेलता है, तेल पानी के साथ खेलता है, क्रिकेट कब से खेलने लगा? जहाँ पैसा आता है यूएसए वहाँ खेल लेता है, अब क्रिकेट में भी। ये मुझे बताओ, ये मैच कौन जीतेगा? ये वाला आज वाला मैच ओमान जीतेगा। तो मुसलमान सब पता, तो क्यों देख रहे? अम्मी आपको भी तो पता है ना, ड्रामे में आखिर में शमून भाई ने फड्डा कर लेना है, तो फिर आप वो भी क्यों देख रही हैं? उसके लिए जायज है, वही जो है वो डायरेक्टर है, वो सब कुछ है। अम्मी अम्मी देखे ना, अम्मा जज्बात में माइक ऊपर कर गई। क्या हो अम्मी अम्मी, प्लीज प्लीज। अच्छा मैं अगर आपके सामने शमून भाई को ले आऊं, आप ड्रामा छोड़ देंगी? अरे बहुत कुछ छोड़ दूंगी मैं, तुम लाओ तो। अम्मी ले आओ फिर मैं शमून भाई को बुला ले। तो शमून भाई अम्मी ले जाए। शमून भाई को बुलाओ। ओह माय गॉड, अपने बाप से तो पूछ लेते। अरे उनको इसलिए तो दोस्त क्या छोड़ के आया हूं। क्या तुम ये देखो, मैं जाऊं शमून के पास। आप जाए शमून के पास। शमून चले यार, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस भाई, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है।
ओफ बेहतरीन यार, अम्मी बन के बहुत गर्मी से आ गई है। ये जुमला सही नहीं लग रहा, लेकिन मुझे मालूम है बगा, इसको मेरी नियत पे परखिएगा वो पसीने। अब तुम लोग दोनों थोड़ी देर के लिए जरा अब आ जाओ खामोशी के मोड में। डेफिनेटली अब जो जजेस का पैनल है वो तुम लोगों के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट्स देने लगा है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ज्वेरी आपके पास। ज्वेरी आप इनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहेंगी? अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। जबरदस्त 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 जी। रुमान रईस साहब क्या कहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस? मैंने तो आज लाइव पहली बार देखी और मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, और आप लोगों का जो सिनेरियो आपने दिया था उसको खूब बखूबी निभाया, तो आई थिंक 10 out of 10। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब आते हैं आज के हमारे इस सेगमेंट में मेहमान अदाकार का किरदार अदा करने वाले शमू नबासी साहब पे। शमू, आपको ये एक्ट कैसा लगा? भाई मुझे ये एक्ट देख के पता चला कि अम्मियां कैसे सोचती होंगी मेरे बारे में, तो इससे मुझे खुशी हुई। सिवाय दाढ़ी के आप अम्मी अच्छी लगी ना? देखिए ठीक है, ऐसे ही बताए, अम्मियां आजकल मार्केट में दस्तयाब नहीं है, क्योंकि आपका जब भी कैरेक्टर आ रहा है तो लोग यही कहते हैं आ गया, पता नहीं किसकी शामत आई है। तो होता है किसी ने, क्योंकि आपकी आमद का मतलब आपको पता है, मैं कतल इधर किसी का अगवा खैर के कामों के लिए नहीं आ रहे आप। मैं अच्छा कोई रोल भी करता हूँ ना, तो वो एंड में मुझे मैसेज आते हैं आखिर में कि यार हम तो वेट करते रहे, अभी कुछ होने वाला है, आप तो शरीफ आदमी निकले आते क्या? शरीफ आदमी निकला है तो बहुत ही आला, बहुत आला।